और कितनी खुशी की बात है कि मेरा यहाँ वापस आना और हीरो के 40 साल सेलिब्रेट करना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। फिल्म हीरो जो मेरी सिर्फ दूसरी फिल्म थी वो इतनी हावी है मेरे सारी फिल्मों पर, उन सब की सक्सेस किसी को नजर नहीं आती, सब लोग हीरो का ही नाम जपते हैं। हीरो ने मुझे अगर कोई सबक दिया है वो ये कि स्टोरी और डायरेक्टर पे विश्वास करो। ये हीरो का लोगों का को उसे याद रखना और उसके बारे में जानना एक तरह से मेरे अतीत को मेरे आज के साथ जोड़ रहा है। तो मेरी ये बहुत अच्छी किस्मत थी कि मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स की, जबकि बहुत मुश्किल था। एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स का ज़माना था, हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स का ज़माना था। इट डजंट मैटर हाउ बिग योर रोल इज, समटाइम्स इट मैटर्स हाउ मीटी योर रोल इज, जैसे कि दामिनी ने में सनी देओल का रोल था। आज भी जब मैं वो गाना देखती हूँ स्क्रीन पे तो मेरे लाल लाल आंखें, वो फीवर वाले आंखें मैं देखती हूँ और सोचती हूँ मैंने कैसे किया वो। लंबी जुदाई आणि तू मेरा हीरो है या गाण्याचे बोल आजही आपल्या कानावर पडल्यानंतर आपल्याला आठवतो तो हीरो चित्रपट। 40 वर्षांपूर्वी म्हणजे 16 डिसेंबर 1983 ला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्याच निमित्ताने आज आपल्या सोबत गप्पा मारण्यासाठी आहेत या चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स अप मराठी में। आज आपकी फिल्म हीरो को 40 साल पूरे हो चुके हैं तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी कुछ यादें क्या शेयर करना चाहती हैं? सबसे पहले आपके शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ये 2023 है और 1983 यानी कि पिछले सेंचुरी में हीरो रिलीज हुई थी, तो मैं पिछले सेंचुरी की रिलिक हूँ, उस जमाने की मैं एक क्या बोलते हैं एंटीक हूँ जो इस शताब्दी में भी आके आई वांट टू डू समथिंग एज एन एक्ट्रेस एज ए डांसर, उसी वजह से मैं अभी इंडिया में हूँ। और कितनी खुशी की बात है कि मेरा यहाँ वापस आना और हीरो के 40 साल सेलिब्रेट करना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। सही में मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं 80 के ऊपर, पर फिल्म हीरो जो मेरी सिर्फ दूसरी फिल्म थी वो इतनी हावी है मेरे सारी फिल्मों पर, उन सब की सक्सेस किसी को नजर नहीं आती, सब लोग हीरो का ही नाम जपते हैं। आज भी मुझे मिलते हैं तो यही रटते हैं कि आप जो राधा थी हीरो में वो आप उसमें बहुत बहुत खूबसूरत लगी, आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया और आप अभी फिर आ रही हैं तो हीरो का कुछ रीमेक हो सकता है क्या आपके और जैकी के साथ आपको सीनियर रोल में रख के? तो जब लोग ऐसा मुझसे कहते हैं तो मैं शॉक हो जाती हूँ कि 27 साल से मैं भारत में नहीं हूँ। ये 27 साल मेरी लाइफ में क्या हुआ है किसी को कुछ मालूम नहीं, टोटल अननोन कमोडिटी में हूँ। और मैं किस तरह से चेंज हुई हूँ, मोटी हुई हूँ, पतली हुई हूँ, बूढ़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ, सब अभी हूहू लोग देख रहे हैं 27 इयर्स के बाद। मुझे अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, अरे हीरो में आप जैसे दिखती थी वैसे दिखती हैं, बस थोड़ा वेट कम करना है। या कुछ कमेंट्स ऐसे आती हैं कि आपको क्या लगता है आपको अभी किस टाइप के रोल्स मिलेंगे, हीरो जैसे रोल्स तो आप नहीं कर सकती, तो अम्मा आंटी दादी। तो मैं बोलती हूँ खामोश खामोश खामोश, सब लोग शांत हो जाइए। हीरो ने मुझे अगर कोई सबक दिया है वो ये कि स्टोरी और डायरेक्टर पे विश्वास करो। वो फिल्म जो बनी बनी बिकॉज ऑफ सुभाष घई और उनकी विजन, उनकी टैलेंट, और उन्होंने कैसे हम सबको कहानी में पिरोया। तो मैं बार बार हीरो को आज की तारीख से जोड़ रही हूँ डेलिबरेटली, ये इसलिए कि मैं मेरे लोगों से एक दरख्वास्त है कि आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस टिपिकल माँ कैरेक्टर रोल्स विच पीपल थिंक कि मैं करूँगी। मैं अभी लोगों को सरप्राइज करना चाहती हूँ, अपने आप को सरप्राइज देना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या रोल्स कर सकती हूँ। तो आपका सेकंड कमबैक बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है? मिलने वाला है। अच्छा, डेफिनेटली 2024 में जरूर कुछ होने वाला है। और ये हीरो का लोगों का को उसे याद रखना
और उसके बारे में जानना एक तरह से मेरे अतीत को मेरे आज के साथ जोड़ रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हीरो के सक्सेस को आज भी मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ और जनता उसके लिए तैयार है, इससे बड़ी बात क्या और हो सकती है. मैम आपने बहुत दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है जैसे कि बिग बी है, अनिल कपूर है, ऋषि कपूर है, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा, उनके बारे में आप क्या कह सकती हो, क्या बता सकती हो? आप ये बात मानेंगी कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है काफी हद तक पुरुष प्रधान है, तो हीरोइन को क्या क्या रोल्स मिल सकती है और किसके साथ वो काम कर सकती है उसका एक पैटर्न है. उस पैटर्न के हिसाब से जब वो नई नई आती है तो वो अपने हम उम्र हीरोज के साथ काम करती है, रोमांटिक स्टोरीज, म्यूजिकल, डांस से भरपूर, ड्रामा के साथ. मैंने भी वैसे फिल्में की, तो उस वक्त मैंने काम किया सनी, जैकी, अनिल और ऐसे अन्य कलाकारों के साथ. तो वो मेरे सचमुच मेरे पीयर्स हैं, हम लोग उम्र में अबाउट सेम हैं, एक्सपीरियंस में सेम हैं, एक साथ हम लोग सब आए फिल्म इंडस्ट्री में. और आज की तारीख भी मैं उन लोगों के साथ काम करूंगी उसका चांस काफी ब्राइट है. लेकिन वैसे भी हीरोज थे जो मुझसे पहले जनरेशन के, जैसे आपने कहा बिग बी, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला क्योंकि एक टाइम के बाद हीरोज वांट टू वर्क विद द न्यूअर हीरोइंस, तो मैंने उस वजह से मुझे उनके साथ चांस मिला. अमित जी के साथ मैंने 4 फिल्में की हैं, शहनशाह, गंगा जमुना सरस्वती, अकेला और तूफान. अब मैं सबको ये कहानी उनके साथ का हमेशा बताती हूँ, आपको भी बताती हूँ. सिलसिला की शूटिंग में वो और रेखा दिल्ली में मोटर बाइक सीक्वेंस कर रहे थे, मैं अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ स्कूल बस में घर लौट रही थी. हम लोग ने उनकी शूटिंग को देख लिया और उन्हें रोकने के लिए कहा, वो रुके लेकिन शॉट तैयार हो गया तो उनको जाना पड़ा. तो कई सालों बाद जब शहनशाह में मैं मोटर बाइक में उन अमित जी के पीछे बैठी हुई थी सीट पे, तो मैंने चुपके से उनसे कहा, अमित जी मैंने आपको फर्स्ट टाइम मोटर बाइक पर देखा था रेखा जी के साथ और आज इत्तेफाक देखिए मैं आपके साथ मोटर बाइक में बैठ के फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे लाइफ में ऐसा होगा. अमित जी से बहुत कुछ सीखा मैंने, वो तो एक्टर पार एक्सलेंस हैं और एक मेरे जैसे नई लड़की के लिए वो एक्सपीरियंस मिलना, प्रॉब्ली मेरे थर्ड और फोर्थ ईयर करियर के थर्ड या फोर्थ ईयर में उनके साथ काम करने के लिए मौका मिल गया मुझे. अनिल के साथ मैंने मैक्सिमम फिल्में की हैं. घर होता ऐसा, हाँ, अब घर होता ऐसा आई थिंक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म थे और उसमें दोनों को बराबर के रोल्स मिले. पारिवारिक फिल्म थी लेकिन अच्छी कॉमेडी थी. एंड अमित सॉरी आई बेग योर पार्डन, तो अनिल के साथ मेरी मुलाकात हुई थी एक साल पहले और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही मुझसे, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मीनाक्षी तुमने ये क्या किया है, यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर लुकिंग बेटर देन एवर. तो मैंने मन ही मन सोचा कि अनिल के लिए सब लोग ये कहते हैं कि ही सो वेल मेंटेन और देन प्रॉब्ली दिस गुड चांस फॉर हिम एंड मी टू रिक्रिएट सम मैजिक अगेन यू नो फ्रॉम आवर पास्ट फिल्म्स. अभी मैं हर हीरो के बारे में नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा चल जाएगा सिलसिला. मैम आजकल का जो ट्रेंड है बॉलीवुड में जो एक्ट्रेसेस है उनको लीड रोल में रखकर फिल्में बनाई जाती है, तो ये बॉलीवुड में बहुत बदल हो चुका है, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, क्या लगता है आपको इसके बारे में? मैं इगोइस्टिक या बोस्टिंग या अपने आप को बड़ा दिखाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जब मैं फिल्मों में थी तो मेरी ये बहुत अच्छी किस्मत थी कि मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स की, जबकि बहुत मुश्किल था. एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स का ज़माना था, हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स का ज़माना था और ऐसे में फॉर मी टू डू फिल्म्स लाइक स्वाति, माँ बेटी, बड़े घर की बेटी, घर हो तो ऐसा, दामिनी,
मैं सोचती हूँ कि आई एम लकी कि लोग ने मुझे सीरियसली लिया, मुझे वैसे रोल्स दिए, इतना बड़ा स्कोप दिया एज अ परफॉर्मर. और आज अगर ये हो रहा है, इट इज हाई टाइम दैट इट हैपेंस, बिकॉज आई थिंक वी वुमेन डिजर्व आवर स्टेचर एंड आवर, यू नो, हमारी जो स्टेटस है वो दिखनी चाहिए ऑडियंस को. एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इट डजंट मैटर हाउ बिग योर रोल इज, समटाइम्स इट मैटर्स हाउ मीटी योर रोल इज. जैसे कि दामिनी ने मैं सनी देओल का रोल था, उनके चार पांच सीन थे, बट एवरी सीन वॉज अ क्राउड प्लीजर, ताली मार डायलॉग्स. तो आई एम होपिंग मेरे सेकेंड इनिंग्स में दैट आई ऑल्सो गेट टू डू सच रोल्स. मैम दूसरी तरफ आजकल बहुत सारी अभिनेत्रियां बताती हैं कि उनको कास्टिंग कोच का एक्सपीरियंस आया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया था क्या आपके करियर में? नेवर. मेरे करियर में एक बार भी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे गलत नज़र से देखा हो. और आज के ज़माने में अगर हो रहा है तो मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. मैं अभी अमेरिका से आई हूँ, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा. मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा जहाँ तक मेरा सवाल है. मैम आप बहुत सारे लोगों की फेवरेट हो, बहुत से फैंस हैं आपके, तो आपको आपकी एक्टिंग सबको पसंद आती है, लेकिन आपको किसकी एक्टिंग पसंद आती है या फिर आपका फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है? मेरे फेवरेट हीरो अभी नहीं रहे, संजीव कुमार, और उनकी बेहतरीन फिल्म जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उसका नाम है नया दिन नई रात. वहाँ उन्होंने 9 अलग रोल्स प्ले किए थे, कैरेक्टर्स. मेरा बड़ा मन करता है कि मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले. और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वैजयंती माला, और साफ जाहिर है वो साउथ की हैं, अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, और वो हर किस्म का रोल उन्होंने किया, वर्सेटाइल भी हैं, और इस उम्र में भी वो अपने डांस को बरकरार रख रही हैं. इतने सालों के बाद भी वो जब स्टेज पे आती हैं तो ऑडियंस वाह वाह करता है. सो आई एम रियली अ बिग फैन. मैम आपने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है, लेकिन आज का जो चित्र उपस्थित हुआ है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, क्या लगता है आपको? मुझे तो कुछ उल्टा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि अभी इट इज नॉट साउथ वर्सेस नॉर्थ और साउथ वर्सेस बॉलीवुड, आई थिंक इट इज पैन इंडिया. यानी कि पिक्चर बन रहे हैं जहाँ एक्टर्स अलग अलग इंडिया के पार्ट से आ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग कास्टेड इन द सेम मूवी. कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, और डायरेक्टर बॉलीवुड का है. तो हाँ, इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री जहाँ हमारे इतने भाषाएं और इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं. मुझे लगता है सिनेमा अभी सबको जोड़ रहा है, ना कि साउथ ज़्यादा अच्छा हो रहा है या बॉलीवुड कम हो रहा है. आई डोंट थिंक सो. उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है. अच्छा मैम, आपने अभी रिसेंट कौन सी मूवी देखी है और आपकी फेवरेट कौन सी है? मैं ज़्यादा फिल्में देखना पसंद नहीं करती हूँ, अनलेस आई थिंक इट्स रियली समथिंग आई वांट टू वॉच. लास्ट फिल्म मैंने देखी थी रॉकी और रानी. आलिया भट्ट. यस मैम, हीरो फिल्म से रिलेटेड आपकी अविस्मरणीय यादें कौन सी रही है, क्या बता सकते हो? हीरो में निंदिया से जागी बहार गाना है. फिल्म की कहानी में वो सबसे पहले आता है, और सुभाष जी को बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं ये गाना मत डालो, और वो भी सबसे पहला गाना, इतना स्लो क्लासिकल, कोई पसंद नहीं करेगा, ये फिल्म को लेट डूबेगी, ऐसे ऐसे कठोर वर्ड्स यूज किए लोगों ने. उन्होंने कहा मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कैरेक्टर कौन है, वो किस किस्म का गाना गाएगी, किस किस्म का डांस करेगी, मुझे एक क्लासिकल डांसर चाहिए इस फिल्म में, इसलिए मैंने मीनाक्षी को कास्ट किया है, और ये गाना मार्क माय वर्ड्स पॉपुलर हो गया और हुआ. पर उसकी शूटिंग में झरने के नीचे बैठ के मुझे नहाने का सीन करना था, 104 बुखार और ऊटी की ठंड, ऊपर से प्रेस के सारे लोग आए हुए थे,
तो सुभाषी ने मुझे एक दो दिन छुट्टी दी कि तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए फिर हम करेंगे शूट, पर ही कुड नॉट वेट, यू नो. तो आई हैड टू शूट फीवर के साथ. आज भी जब मैं वो गाना देखती हूँ स्क्रीन पे तो मेरे लाल लाल आंखें, वो फीवर वाले आंखें मैं देखती हूँ और सोचती हूँ मैंने कैसे किया वो. और एक अच्छी याद है हीरो में कि मुझे मोटर बाइक पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है. तो जैकी श्रॉफ मोटर बाइक जा रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ और हम लोग ऊटी की वादी में जा रहे हैं. तो जैकी ने कहा वो एरिया देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेट्स गो एक्सप्लोर, ज़रा देख के आते हैं. और उन दिनों में थोड़ी होता थे सेल फोन, तो कोई हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है, हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते. हम गुम हो गए, वापस कैसे मेन रोड जाना है. ओ माय गुडनेस. एनीवे फिर सही सलामत पहुंचे और शूटिंग जारी हुआ. काफी डांट पड़ी हमको, पर यह बात जरूर है कि जैकी के साथ पिछले कुछ सालों से मेरी अच्छी एक कम्युनिकेशन हो रही है. अमेरिका से भी कई बार हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं और जैकी आज भी बहुत एक अच्छे दोस्त की तरह पेश आता है और कुछ बातें शेयर करेंगे हम, कुछ यादें ताज़ा करेंगे कि जब हम 40 साल यंगर थे तो हम लोग ने क्या क्या किया था. मैम दो लाइन्स हमारे दर्शकों के लिए आप गा दो. गा दू? यस. ओहो, गणेश की आरजू कुछ बढ़ती जा रही है. गाना गाना गाना. नींद यहाँ से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार, कोयल कूके गाए मल्हार, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार. तर या होत्या हिरो चित्रपट गाजवलेल्या अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री. लेट्स अप मराठीला मुलाखत दिल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद.